फिंगर्स क्या होते हैं? फिंगर्स आप असल में मैप में एक देखना और ये समझना कि पहाड़ों का जो जमीनी हिस्सा है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, अगर हम इसे पहाड़ी उंगलियां कहें, गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। पहाड़ी उंगलियां मतलब कि जिस तरह वो एक तो शेप भी उनकी फिंगर की तरह है, उंगली की तरह ये है। तो मैच नहीं कर रहा है वैसे, लेकिन लगभग हम समझे कि बीच से जो ऐसे देखिए एक एक फीचर दिख रहा है जो एकदम पिट्रूड करके जा रहा है पानी में। एग्जैक्टली फिंगर एरिया पेंगोंग का तो शायद नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर। देखिए इससे कैसे आता है, ऊपर एक रिज लाइन है, रिज लाइन से 5 उंगलियां या 8 उंगलियां ऐसे नीचे जा रही हैं और वो पेंगोंगसो झील में जा रही हैं। वहां 4 फिंगर तक हम थे, चौथी से आठवीं तक नो मैंस लैंड था एक तरह से, और आठवीं के बाद चीन का वो इलाका पांचवी है। पांचवी पे भी फोर्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को। चीन बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को फोर्टिफाई कर रहा है फिंगर 5 पर, लेकिन उसको हमारे स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया फिंगर 4 पर। चीन से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने आप को वहां पर स्थापित करके अपनी मशीन गन पोजीशंस वहां पर बनाकर। यहां पर भी अगर आप इन फीचर्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए, देखिए कि जो ऊंचाई वाले हिस्से पे अगर आप बैठेंगे तो नीचे कोई अपने अगर कैंप बना भी ले, नीचे से आने की कोशिश भी करे, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। एक चट्टान भर अगर लुढ़का दी जाए तो उसकी परिस्थिति समझ लीजिए, और चीन तो कोशिश कर रहा है, रात के अंधेरे में कोशिश करता है। बहरहाल पेंगोंगसो का इलाका जो है, जो हमने अपनी आंखों से कम देखा है, लेकिन आपको इस समय की हम तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि चाइना के लिए मेहनत नहीं रह जाएगी, उसे जासूसी नहीं करनी पड़ेगी अगर सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे। हम आपको समझा रहे हैं एलएसी कैसा है, और इसीलिए डीबीओ डीबीओ जहां पर कोई भी भारतीय चैनल या विदेशी चैनल भी, कोई भी रिपोर्टर आज तक नहीं पहुंचा है, इस कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में गौरव सावंत वहां पर पहुंचे। एक रिपोर्ट पर एक नजर डाल लीजिए, फिर हम आगे और हिस्से आपको दिखाते हैं। लेह से दौलत बेग की सड़क का हर हिस्सा सामरिक महत्व का है। यहां आबादी का नामो निशान नहीं है, हालात बेहद जटिल हैं। चीन ने दूर दराज के इस इलाके में हमारी कमजोरी का फायदा उठाने की साजिश रची। उसने खुद तो बॉर्डर के बिल्कुल करीब सड़क बना ली, लेकिन उसे भारत के सड़क बनाने पर आपत्ति है। चीन की यह नीयत उसकी जमीन हड़पने की साजिश की पोल खोलती है। श्योक नदी पर बनाया गया ये पुल उसकी साजिश का जवाब है, और वो एलएसी के पास भारत की बढ़ती ताकत को देखकर बहुत बेचैन है। हम इस समय डुरबुक से 150 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 14,650 फीट की ऊंचाई पर कर्नल छिवांग रिंचन महावीर चक्र एंड बार सेना मेडल लद्दाख के हीरो के नाम पर यह ब्रिज पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है। और यह ब्रिज प्रकृति का चमत्कार नहीं है, यह सेना के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का परिणाम है। क्यों? क्योंकि इस ऊंचाई पर शोक नदी पर यह ब्रिज बनाना एक समय लगभग असंभव माना जाता था। श्योक नदी पर बना ये पुल हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। सेना 12 महीने तक इस पुल का इस्तेमाल कर सकती है, भारी से भारी वाहन इससे गुजर सकते हैं। ये बताइए, जब ये ब्रिज नहीं बना था, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2019 में इसका उद्घाटन किया, उससे पहले हमारे सिपाही और हमारी गाड़ियां कैसे जाती थी, क्या नदी पार करती थी? उससे पहले नदी क्रॉस करनी पड़ती थी, जब नदी का फ्लो बढ़ता था तब थोड़ी दिक्कतें आती थी। वहां पे बीच में एक ब्रिज है, लेकिन नदी का पानी इतना हो जाता था कि इसको एरियल केबल वे के यूज करते हुए क्रॉस किया जाता था। बट अब ये ब्रिज है तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई है आगे की तरफ। 14,650 फीट की ऊंचाई पर ये लोहे का ब्रिज भारत के लोह संकल्प का प्रतीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में भारत के हित में है, और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम निरंतर चलता रहेगा। और 255 किलोमीटर लंबी यही सड़क डीएसडीबीओ रोड इसका प्रमाण। इस समय हम लोग डीएसडीबीओ रोड पर लगभग 18,200 फीट की ऊंचाई पर हैं, और ये इस रोड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस रोड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ठीक मेरे पीछे, वो रिमो ग्लेशियर है, और यहीं से पानी आता है श्योक नदी में। कितना कठिन है यहाँ पर सड़क बनाना, जब हम लोग को बात करने में भी 18,000 फीट पर
समस्या हो रही है। मैं आपको सबसे पहले गर्व के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे दुनिया के सबसे ऊंची आरसीसी का ऑफिसर कमांडिंग हूँ और हमारा ये लास्ट 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यहाँ सिर्फ हम 4 महीना काम कर सकते हैं, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, उसमें भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक काम कर पाएंगे। इस समय भी आप ये देख सकते हो कि बहुत ज्यादा हवा चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। ये विटामिन सेट होने के लिए हमें 140 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए और 120 से नीचे अगर चला जाता है तो ये ब्लैक टॉपिंग सेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ काम करना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है, तो हम उसको करके दिखाएंगे। हमारा सफर दुर्बुक से शुरू हुआ था और अब हम दौलत बेग ओल्डी से 10 किलोमीटर पीछे हैं, यानी 245 किलोमीटर का सफर तय करके हम भारत की सबसे ऊंचाई वाले मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं। 16,696 फीट की ऊंचाई पर यह दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ALG या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यहां पर वायुसेना ने 1962 में अपने विमान उतारे थे। 1962 के अलावा 2008 में AN-32 एक विमान उतारा था और फिर 2013 में C-130J हर्क्यूलिस विमान यहां पर उतारा गया था। अभी भी यहां पर एक हेलीपैड है, वो हेलीपैड यहां पर रसद सामग्री, जरूरत का सामान लेकर आता है और ठीक उसके पीछे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है।